डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा भाई को क्या हुआ? क्या हुआ? देखो देखो, बहुत दिन से बुखार है। इसको नीचे उतारो। क्या हुआ इसका? बुखार हो गया? अच्छा, 4 दिन से बुखार है। 4 दिन से बुखार है, ठीक है। इसको जुकाम भी तो है। रात में कुछ नहीं खाता है। इसका 102 बुखार है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस, आपने देखा, यह एक थर्मोमीटर। तो इस थर्मोमीटर का काम होता है किसी का भी बुखार को नापने के लिए, कितना सेल्सियस और कितना फारेनहाइट उसका जुकाम है वही दिखने के लिए। एक नॉर्मल इंसान का 98.6 डिग्री फारेनहाइट का जो तापमान रहता है और 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान। अगर आपने अभी भी देखा, एक पेशेंट का 102 बुखार हो गया। तो गाइस, आपने देखा कि जब बुखार होता है तभी तो 102, 101, 100 डिग्री तक चला जाता है। मगर हम आज देखने वाले हैं कुछ नया। तो क्या नया? जो थर्मोमीटर होता है, इस थर्मोमीटर को आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या हम आपको दिखाने वाले हैं, इसको बहुत ठंडे में डालने वाले हैं और ठंडे पानी में, यानी कि, और उसके बाद बहुत ही गर्म पानी में डालने वाले हैं और उसके बाद देखने वाले हैं कि क्या रिएक्शन होता है। तो गाइस, इस वीडियो में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इस वीडियो में प्लीज एक लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आपके सामने पेयर से ये देखिए 3 पानी इसमें है, बहुत ही ठंडा पानी। देखिए आप, छोटा छोटा का जो बर्फ का टुकड़ा है वो आप देख भी सकते हैं। यह है पूरा ही ठंडा पानी। यह है एक नॉर्मल वाटर, जो कि ना ठंडा नहीं है, गर्म भी नहीं है, नॉर्मल वाटर। और ये है गर्म पानी। आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ भाप भी भाप हो गया है, क्योंकि बहुत ही गर्म पानी है। पूरा उबलता हुआ पानी को हमने यहाँ पे लेके आया है, और यही ठंडा पानी, ये नॉर्मल पानी। तो तीनों पानी के ऊपर हमें टेस्ट करने वाले। तो गाइस, आप देख सकते हैं, पहले देखिए इसको, इस थर्मोमीटर को हम पहले ठंडे पानी के अंदर हम इस थर्मोमीटर को डालेंगे और देखने वाले कि क्या रिएक्शन होने वाला है। तो गाइस, आप देख लेना, ठंडे पानी जो होता है 1-2 सेल्सियस का ही ठंडा पानी होता है, और बर्फ हो जाता है तो 0 डिग्री यानी कि माइनस में बर्फ हो जाता है। मगर ये 1-2 डिग्री सेल्सियस है ठंडे पानी को। तो इसके अंदर हम पहले डाल देते हैं और उसके बाद देख लेंगे। रेडी, 1, 2, 3। इसको हमने ठंडा पानी के अंदर डाल दिया है, 2-4 सेकंड हम रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो गाइस, निकाल लेते हैं ठंडे पानी से और उसके बाद देखते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कि इसका जो पारद है वो थोड़ा सा भी नहीं उठा है, एकदम नीचे का नीचे ये यहाँ पे पारद है। देखिए इसके लाइन के अंदर यहाँ पे पारद है, देखिए इस लाइन के अंदर कहाँ पे भी पारद नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, नॉर्मल से नॉर्मल वाटर में डालेंगे। गाइस, इस वीडियो को लिए लाइक चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। गाइस, आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वाटर में डालने से भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मल वाटर से निकाल लेते हैं। देखिए नॉर्मल वाटर का भी जो है नॉर्मल सा ही है, कोई रिएक्शन नहीं। मगर अभी होने वाला है जो असली मुकाबला, यानी कि इसके साथ जो गर्म पानी का मुकाबला, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करने वाले, इस थर्मोमीटर को अभी गर्म पानी में डालने वाले, और कुछ भी हो सकता है। प्लीज ऐसे कोई भी टाइम मत करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। गाइस, रेडी, 1, 2, 3। गाइस, रेडी, 1, 2, 3। आप एक चीज देख सकते हैं, इसका जो पारद का जो टुकड़ा होता है, यानी कि जो नापने का नीचे का जो पारद रहता है, वो इतना हीट हो चुका है कि वो नीचे से निकल गया। देखिए यहाँ मैं लेके आओ, देखो पारद इसके अंदर है। देखिए गाइस, आप देख सकते हैं ये निकल ही गया। देखा गाइस आपने, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा था कि बहुत ही खतरनाक है, और पारद
क्यों खतरनाक है मैं इसके लिए हम आपको बता देते हैं पूरा डिटेल। देखिए हम इसको पहले ऊपर में निकाल लेते हैं सावधानी से। देखिए जो थर्मोमीटर था वो टूट गया है क्योंकि इसका हीट इतना जनरेट हुआ कि ये पारद खुद ही खुद टूट ही गया। देख सकते हैं पारद इसके अंदर ही है, देख सकते हैं इसके अंदर ही पारद है। जो पारद का जो टुकड़ा है देखिए ये टूट के निकल गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आप देख रहे हैं गोल बिंदु करके ये पारद है और इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से दिखाओ इस तरफ यहाँ पे कांच का टुकड़ा है, इस तरफ कांच का टुकड़ा है और इस तरफ एक जो गोल है यह पारद, थोड़ा सा ही पारद रहता है मगर इसका काम बहुत ही होता है क्योंकि ये पारद इतना खतरनाक होता है। ये पारद अगर किसी का हाथ में लग जाए तो उसका हाथ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है क्योंकि हम आपको बताते हैं इस पारद एक छोटा सा बूंद का पारद अगर प्लेन में चला जाए तो उसको प्लेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि पारद जो होता है वो एल्यूमिनियम को पूरा ही खा लेता है। आप जानते हैं नहीं जानते हम आपको बता देते हैं पारद होता है एल्यूमिनियम को पूरा खा लेता है और एल्यूमिनियम का पूरा स्ट्रक्चर होता है प्लेन को। तो गाइस इस वीडियो में आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना। तो गाइस इस वीडियो में अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।